नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप सी टेट, स्टेट का टेट यानी कि जैसे यूपी टेट या एमपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करते हैं यानी कि शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इन परीक्षाओं के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होता है बाल विकास एवं मनोविज्ञान। जिस जो 30 प्रश्न आते हैं, इन 30 प्रश्नों में जो ज़्यादा नंबर लेके आता है वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो वो आसानी से क्लियर कर लेता है। तो आप सभी सी टेट की परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार करें क्यों ना, क्योंकि सी टेट की परीक्षा होगी तभी तो आप टीचर बनने की एलिजिबिलिटी मिलेगी आपको, और जो टीचर बनने की वैकेंसी आती हैं उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। जुलाई से लेकर अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी डेट अभी तक भी घोषित नहीं हुई है। दिसंबर में उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में इसकी डेट आएगी और दिसंबर में परीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ साथ है यूपी टेट की परीक्षा। यूपी टेट की परीक्षा भी दिसंबर के आसपास होगी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में से 31,277 लोगों को ज्वाइनिंग 16 तारीख को मिल जा रही है। एक बार जब ये ज्वाइनिंग मिल जाएगी, दो दिन बाद ये ज्वाइनिंग मिलने जा रही है, तो सरकार के का जो अकाउंट है भर्ती को करने का वो कोरम पूरा हो जाएगा, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती हो गई। अब चाहे 37,000 बाहर ही क्यों ना बैठे हों, वेटिंग में क्यों ना हो, लेकिन वो ये मान लिया जाता है कि इसमें ज्वाइनिंग दे दी गई। जैसे कि 68,500 में अभी तक ज्वाइनिंग दी जा रही है, लगा अभी तक कई लॉट में उसमें ज्वाइनिंग दी गई है। जब भी रिजल्ट निकाला जाता है कभी काफ़ी दोबारा चेक होती है, और इसके पहले भी एक 12,000 वाली वैकेंसी आई थी तो उसमें भी लगभग ऐसे ही हुआ था। तो यानी कि कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि जनवरी या फरवरी में सुपर टेट भी आपको एक देखने को मिल जाएगा, और ये सुपर टेट आपको जो देखने को मिलेगा तो उससे जो है प्राथमिक विद्यालयों की विद्यालयों में असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक के पद की भर्ती निकाली जाएगी। तो सब मिला के मेरा कहना यह है कि ये जो सी टेट है या फिर यूपी टेट है या फिर सुपर टेट है, इन सब के लिए बाल विकास एवं मनोविज्ञान CDP बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आज आपका टेस्ट आपको देना हो तो आप कितने नंबर लाएंगे, इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाया है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है, आप इसको दे सकते हैं। और इतना बढ़िया ऑनलाइन टेस्ट है ये कि आपका ये पूरा स्कोर बताएगा किस प्रश्न को आपने गलत किया, किस प्रश्न को आपको सही किया, और इसको देने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप में इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो आइए आप ये टेस्ट दीजिए और देखते हैं कि आप 30 में कितना स्कोर करते हैं। इस टेस्ट को देना कैसे है उसके बारे में आपको बता दूं। टेस्ट को देने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हैं, तो प्ले स्टोर में आप जाइए, वहाँ पे CP स्मार्ट क्लासेस लिखिए तो ये आपको ऐप वहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, हमारे कोचिंग का ऐप है ये, हमारे यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, और मैं 3-4 दिन से आपको बता रहा था कि ऐप जो है बन चुका है और उस पर आगे लर्निंग स्टेज में है, भी काम चल रहा है। तो आज मैंने उस पर एक मॉक टेस्ट डाला है, 30 प्रश्न बनाकर मैंने डाला, 30 प्रश्न एग्जाम में आते हैं, 30 प्रश्न मैंने डाला है। तो देखते हैं कौन 30 में 30 स्कोर करता है, क्योंकि आगे आने वाली शिक्षक भर्तियों की पढ़ाई सुपर टेट की और टेट की मैं उसी के माध्यम से करवाऊंगा। वहां पे आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। पिछली बार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करवाया था, अब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इतना ज़्यादा तो हो नहीं पाता है, PDF के नोट्स आपको दिए थे, तो इतने 69,000 शिक्षक भर्ती में तो उसमें जो है उतना अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए मैंने ये ऐप बनवाया है। आप इसको पहले यहाँ से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट का एक मिलेगा फोल्डर, और वहाँ पे आपको टेस्ट मिलेगा, और आपको उस टेस्ट को देना है। स्कोर आपका मुझे दिख जाएगा, आपको भी अपना स्कोर दिख जाएगा, आप भी देख सकते हैं कितना स्कोर है आपका। तो दोस्तों, आ जाइए इस पर, ऐप पे आ जाइए और अपना टेस्ट दीजिए। टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया पूरी तरह से,
और आगे भी इसी तरह के टेस्ट मैं वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। और रही बात इसकी, तो ये आप डाउनलोड करेंगे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जिसको डाउनलोड करने में दिक्कत हो वो सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर ले उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।